जी तो डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज नंबर है, इट इज एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो लास्ट टाइम हम कुछ मटेरियल क्लास में पढ़ चुके थे, आज मैं स्टार्ट ले रहा हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें ये कहा गया है कि विदाउट एक्सपेंशन, कि आपने एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है, विदाउट एक्सपेंडिंग आपने सॉल्व करना है, शो दैट कि क्या करें। आप ये बताएं कि ये एक मैट्रिक्स दी गई है 1, 2, 3 और इसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपने ये प्रूव करना है कि इसके एलिमेंट्स को बगैर खोले ये बताना है कि ये इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो मैं यहां बता रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4। देखें प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4, इसके लिए मैं पेज बता देता हूं, इसको जरा एक दफा पढ़ लेंगे आप। पेज नंबर है जी 105। तो जरा मैं वो लाइन पढ़ देता हूं, तो देखें लाइंस क्या हैं। इसमें कह रहा है कि If a square matrix has two identical rows or two identical columns, then A mod is equal to 0. यानी किसी भी मैट्रिक्स जो है उसका मॉड 0 कब होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ऐसा बताया गया है कि अगर इसकी कोई सी दो रोज या कोई सी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, क्या आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स, या रोज को आइडेंटिकल कर लें या कॉलम्स को। तो अब हम इस फीचर को यूज करेंगे और देखेंगे कि कहां पॉसिबल है कि आप रोज या कॉलम्स को आइडेंटिकल कर सकते हैं। देयर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं एक ऑपरेशन करूं और वो क्या है कि जो पहले वाली आपको कॉलम नजर आ रहा है, अगर इसमें कोई तब्दीली ना लाऊं तो दिल्ली क्या करूं कि यहां मैं ऐसा करूं कि कॉलम नंबर 2 में से प्लस कर दूं कॉलम नंबर 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके। नंबर 1, फिर सुने, कॉलम नंबर 2 में प्लस करना है कॉलम नंबर 2 को माइनस से मल्टीप्लाई, कॉलम नंबर 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब जो कॉलम 1 है उसको तो लिख देते हैं वैसे का वैसे। अब कॉलम 2 में प्लस करना है कॉलम 1 को। कॉलम 2 का एलिमेंट पहला क्या है जी, 2 हमने लिख लिया, 5 ये भी लिख लिया और 8 भी। करना क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के हर एलिमेंट को। तो आप देखें कॉलम 1 का जो पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ गया। इसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4, और इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -7। इसी तरह हम दूसरा ऑपरेशन यहां पर क्या करते हैं, दूसरा ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन हम ये करते हैं कि कॉलम नंबर जो 3 है उसको देखें, उसमें हम प्लस कर देते हैं कॉलम नंबर 2 को, दो कॉलम नंबर 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉलम नंबर 3 का एलिमेंट पहला देखें क्या है, यू विल राइट आप कहेंगे 3, दूसरा एलिमेंट क्या है जी 6, तीसरा क्या है 9। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, प्लस करना है इसमें। अब हम प्लस कर देंगे तो किसको प्लस करना है, कॉलम नंबर 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर। अब इसका मतलब कॉलम नंबर 2 का पहला एलिमेंट क्या है जी 2, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी -5, थर्ड एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो यहां पर तो 1, 4 और 7 है, यहाँ 2 में से अगर हम 1 माइनस करें यू विल गेट 1, 5 में से 4 माइनस करें ये भी आ गया 1, 8 में से 7 माइनस करें तो ये भी आ गया 1, ओके।
देन आगे देखते हैं, थ्री में से टू माइनस करें तो ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर जो आपका कॉलम नंबर टू है वो पूरा का पूरा वन 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 है, और कॉलम नंबर थ्री भी वैसा ही है। आप देखें, इसका पहला एलिमेंट वन है तो इसका भी वन, इसका दूसरा एलिमेंट टू है तो इस वन है तो ये भी वन है, इसका तीसरा एलिमेंट भी वन है। तो ये ऐसा हो गया कि पूरा का पूरा कॉलम नंबर टू और पूरा का पूरा कॉलम नंबर थ्री एक जैसे हो गया। अभी हम प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं, तो प्रॉपर्टी में क्या कहती थी, प्रॉपर्टी ये कहती थी आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स। अगर ऐसा हो जाए कि रोज या कॉलम, यानी कोई सी आप दो रोज ले लें या कोई सी दो कॉलम्स जो हैं वो अगर बराबर हो जाए, एनी टू रोज और कॉलम्स। अब यहाँ पर देखें, दो कॉलम, कॉलम नंबर टू, तो यहाँ कहेंगे हेयर कॉलम नंबर टू, सी टू का मतलब है कॉलम नंबर टू, एंड सी थ्री, सी थ्री का मतलब क्या हो, कॉलम नंबर थ्री। तो कॉलम नंबर टू एंड कॉलम नंबर थ्री आर आइडेंटिकल, दोनों एक जैसे हो गए हैं। सो जो ए होगा उसका मॉड लेंगे तो वो जीरो। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने बगैर खोले, बगैर एक्सपेंड किए, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके बताया कि किस तरह से अगर आप एक, आपके पास एक डिटरमिनेंट दी गई हो तो उसको एक्सपेंड किए बगैर भी हम इक्वल टू जीरो प्रूव कर सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है। अब इसी तरह कुछ हम फर्दर क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला कोई भी क्वेश्चन इसका चूंकि विदाउट एक्सपेंशन का नहीं है, क्वेश्चन नंबर थ्री में जरा टेक्निक डिफरेंट है, उसको हम सॉल्व करते हैं, उसमें कुछ प्रूव करना है। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है ये है, शो दैट, यानी आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो ए प्लस एल, ए और ए, फिर ए है, फिर ए प्लस एल और फिर ए है, इसी तरह ये भी ए हो, ये भी ए हो और ये ए प्लस एल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको जब एक्सपेंड करें तो आंसर क्या है, एल स्केयर इंटू थ्री ए प्लस एल, ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास गिवन है और राइट हैंड साइड पे कुछ खास टर्म्स को आपने प्रूव करना है। तो हम जरा राइट हैंड साइड को मद्देनजर रखेंगे और हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा लिखते हैं, और हम ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, ये टर्म ए प्लस एल, ए और ए, यहाँ पर है जी ए, ए प्लस एल और ए, देन है जी ए, ए और ए प्लस एल। अब डियर स्टूडेंट्स, प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है थ्री ए प्लस एल। तो यहां से हम ये पिक करेंगे, थ्री ए प्लस एल का मतलब ये है कि आपने देखें ये ए है, ये भी ए और तीसरी टर्म भी ए है, ए यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी, अगर तीनों को ऐड कर दें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ इक्वल का सिंबल डालते हैं और ये देखें, मैं पहले कॉलम के साथ ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ कि जो कॉलम नंबर वन है उसमें कॉलम टू और थ्री को ऐड कर देता हूँ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, कॉलम वन हमने वैसे लिखा ए प्लस एल, ए और ए, अब हमने क्या कहा कि कॉलम नंबर टू और थ्री के एलिमेंट्स को इसमें ऐड करना है। देखें जरा, कॉलम नंबर थ्री में शुरू में क्या है, ए, ये आप इसमें ऐड कर दें। कॉलम नंबर थ्री में क्या है, ए, वो भी आप इसमें प्लस कर दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखें, अब इसमें सेकेंड एंट्री में आपने क्या करना है, कॉलम टू और थ्री के एंट्रीज को ऐड करना है। तो कॉलम टू में आगे क्या लिखा जी, ए प्लस एल, ये आपने प्लस कर दिया। यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए, ये भी आपने ऐड कर दिया। इसी तरह अगर हम तीसरी एंट्री की तरफ जाते हैं तो कॉलम नंबर टू में देखें क्या है, यहाँ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ए है जबकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ए प्लस एल। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, कॉलम टू और थ्री के एलिमेंट्स को जो उनसे रेलिवेंट, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वन के एलिमेंट्स से उसमें जमा कर दिया, लेकिन आपने साथ ही साथ क्या करना है, उनकी जगह नहीं छोड़नी, यानी वो जो कॉलम है वो भी अपनी जगह वापस वैसे के वैसे लिख देने हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर पूरा का पूरा एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया जाए या पूरे के पूरे दो कॉलम किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दिए जाए तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमें प्रॉपर्टी ने बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इन तीनों को ऐड कर लें तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा थ्री ए, यहाँ भी प्लस एल, ये भी थ्री ए प्लस एल हो गया और ये भी थ्री ए प्लस एल हो गया। यहाँ रह गया ए, ए, ए प्लस एल और ए, यहाँ पर ए है और यहाँ ए प्लस एल। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके पहले कॉलम को चेक करें तो पहले कॉलम में थ्री ए प्लस एल एक ऐसी टर्म है जो सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन का मतलब ये है कि आप ये इसमें से बाहर निकालिए।
प्रॉपर्टीज ही हमें ये बताती हैं कि अगर आप पूरे के पूरे एक कॉलम में से कुछ एलिमेंट्स को कॉमन ले लें, तो वो कॉमन तो बाहर एक दफा लिखे जाएंगे, लेकिन अंदर देखें जहाँ जहाँ से कॉमन जाएगा तो पूरा का पूरा जो कॉलम है उसमें से 3a+l बाहर चला गया। तो जब हम 3a+l को कॉमन लेंगे तो अंदर पहली टर्म को 3a+l पे डिवाइड किया, वहां भी 1 बच गया, दूसरी टर्म को वो भी 1, तीसरी टर्म। अब जो बाकी के दो कॉलम्स हैं उनमें बगैर किसी तब्दीली के आपने इसे एज इट इज लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हम अगली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो यहां है 3a+l, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएं तो जरा दोबारा राइट हैंड साइड पे नजर मारें, तो राइट हैंड साइड पे आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एल स्क्वायर टाइम्स 3a+l। तो इसका मतलब एक टर्म आपने बना ली, यानी 3a+l अब बना चुके हैं। अब आपने अगला टारगेट क्या है, एल स्क्वायर बनाना है। तो इसका मतलब आपने इसकी या तो डायरेक्ट एक्सपेंशन की तरफ चले जाए या कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वो क्या है, ताकि हमारी टर्म्स को एक्सपेंड करना आसान हो जाए। वो क्या है प्रॉपर्टी, में ये यूज करूंगा कि रो नंबर जो 2 है, पूरी रो नंबर 2, इसमें ऐड करूंगा माइनस से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 1 को, और रो नंबर 3 के साथ भी ऐसे ही करेंगे कि रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड। अब जरा देखें डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मैंने ये कहा कि रो नंबर 1 में आप, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर भी आप रो नंबर 1 ही ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रो नंबर 1 लिख देता हूं। अब डियर स्टूडेंट्स रो नंबर 1 तो आपने वैसे लिख ली, अब यहां क्या लिखा हमने, रो नंबर 2 में से आपने रो नंबर 1 को माइनस करना है। ये यूं कह लें कि रो नंबर 2 को आप ऐड कर दें रो नंबर 1 में, लेकिन ऐसे कि रो नंबर 1 को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करा। आप देखें जो रो नंबर 2 है उसका पहला एलिमेंट कह रही 1, ये वाला एलिमेंट मैंने लिख दिया, ये क्या है 1। अब इसमें प्लस करना है माइनस से जरब दे के इसको, रो नंबर 1 को, रो नंबर 1 का पहला एलिमेंट क्या है -1, आप ब्रैकेट में लिख दें। आगे चलते हैं, अगला एलिमेंट इसका क्या है a+l, ये मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, ये देखें आप सेकंड एलिमेंट मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। अब क्या है इसमें से माइनस कर देना है या प्लस कर दें माइनस से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 1 को, अब रो नंबर 1 का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर a है, आपने क्या करना है माइनस से जरूरत देखिए इसमें जमा कर देना, यानी माइनस से हो जाएगा। इसी तरह जो थर्ड एलिमेंट है वो a है और इसमें प्लस क्या करना है आपने, ये थर्ड एलिमेंट मैंने वैसे लिखा रो नंबर 2 का, अब रो नंबर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा कर देना। तो बेटा ये माइनस है, अब आगे क्या है रो नंबर 3, यानी रो नंबर 3 में यहाँ है 1, यहाँ पर क्या है जी a, यहाँ है a+l, ये मैंने सारे वैसे लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं प्लस कर दें माइनस से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 1 के तमाम एलिमेंट्स को, अब देखें इसमें प्लस कर दें रो नंबर 1 के एलिमेंट को, अब रो नंबर 1 में क्या है 1, आप माइनस से जरूरत देखिए इसमें जमा कर दें। आगे रो नंबर 1 में क्या है जी माइनस है, जरूरत देखिए इसमें जमा कर दें। इधर क्या है जी तीसरा एलिमेंट क्या है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है यार। तो रो नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं 1, ए, ये ए और ए। अच्छा कुछ लोग इसको आसानी के लिए ऐसा भी कर लेते हैं कि रफ में सॉल्व कर लेते हैं, वो भी एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखें क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, यू विल राइट 3a+l। अब यहां पर हम एक्सपेंड करेंगे तो 1aa, आप देख रहे हैं ये 1 से 1 कैंसिल 0, ये भी 0, यहां पर a से a कैंसिल तो सिर्फ एल रह गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ए से कैंसिल जीरो और ये रह गया एल। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचने के बाद अब आप इसे एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंशन का तरीका क्या है, ये जो 3a+l है ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा, बाकी अंदर वाले इसे को मैं एक्सपेंड करूंगा। अब एक्सपेंशन के लिए मैं ये एक ब्रैकेट लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा 1 है, पहला एलिमेंट क्या है जी 1, आपको पता है जब एक्सपेंड करते हैं तो जिस कॉलम में है वो कॉलम में नहीं लिखते हैं, जो रो है वो रो में लिखते हैं, तो बाकी क्या रहेगा जी एल जीरो जीरो एल। दूसरे एलिमेंट के लिए आपको क्या सिखाया था, जब आपने दूसरा एलिमेंट लेना तो बाहर माइनस लिख देना है, ठीक है। तो जैसे हमने कोफैक्टर निकाले थे, अगर कोफैक्टर वाले मेथड से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड एलिमेंट मैंने लिखा, तो आपको पता है कि अब हमने एलिमेंट कौन से लिखने, जो इसकी रो में है वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे और जो इसके कॉलम में है वो नहीं लिखेंगे, ये रो गई और ये वाला कॉलम गया बच्चों। तो बाकी एलिमेंट क्या रह गया, यू विल राइट ए ए, ठीक है जी, ये ए आ गया इधर से ये, और इधर क्या आ जाएगा जीरो और एल। फिर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लस,
फिर अगला अगली टर्म क्या आ जाएगी, तीसरी जीरो। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये वाली रो तीसरी वाली छोड़ देंगे, ये पूरी हो गई और ये पूरा कॉलम गया। तो बाकी एलिमेंट्स क्या रह गए, यू विल राइट ए ए, ठीक है जी, एल जीरो। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ, और थोड़ा सा जो इसकी एक्सपेंशन बनती है वो करते हैं। तो आप देखें आपके पास आ जाएगा थ्री ए प्लस एल, इसको मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, क्या होता है मेथड मल्टीप्लाई करने का, इस डायगनल को जो प्रिंसिपल डायगनल इसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई, यानी एल को एल से और माइनस जीरो को जीरो से। अच्छा, ये जीरो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये सारे को जीरो कर देगा, और ये जीरो के अंदर सब एलिमेंट्स को जीरो कर देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाएगा थ्री ए प्लस एल, तो ये स्टूडेंट्स आ गया एल स्केयर माइनस जीरो और फिर प्लस जीरो। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ आपके पास एल स्केयर है तो इसे हम तरतीब से लिख देंगे, एल स्केयर इंटू थ्री ए प्लस एल, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री ए प्लस एल टाइम्स एल स्केयर। तो अगर हम ऊपर क्वेश्चन की तरफ जाएं डियर स्टूडेंट्स, तो देखें हमें क्या प्रूव करना था, हमें क्वेश्चन में प्रूव ही यही करना था। ठीक है, अगर हम ऊपर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमें क्वेश्चन क्या बता रहा था, ये देखिए जरा, एल स्केयर इंटू थ्री ए प्लस एल राइट हैंड साइड पे था। तो आप ये देखें कि अब आखिरी रिजल्ट हमारे पास क्या यही आ गया, तो इसका मतलब एल स्केयर इंटू थ्री ए प्लस एल यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसका मतलब विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उसने कहा था शो दैट और हमने उसे प्रूव कर दिया। तो मैं अब आपसे डिस्कशन के लिए वापस आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जरा बंद कर रहा हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई मसला होगा तो मुझे आप उसमें बताएंगे। शाबाश।